मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए। सेल्फ डिफेंस नहीं आता क्या? लड़ो उनसे। क्या है? भागो ऐसे! भागो! भागो! मंगेतर हूं मैं तुम्हारा, दो दिन में सगाई है हमारी, और तुम मुझे ऐसे उल्टा जवाब दे रही हो। ऐसे तुम्हें जो भी ट्रबल्स हुई हैं, I'm sorry. ये जानते हुए भी कि मैं उसकी इंटरनेट वाली फ्रेंड हूँ, उसने तब भी उस दिन मेरा इतना ख्याल रखा। अबे ओ इधर आ, फालतू बकवास की ना, तो तेरा मुंह तोड़ दूँ यहीं पे। आदि ऐसी लड़की नहीं है। सॉरी बोल उससे, सॉरी बोल। तुम किसी अनजान लड़के से इंटरनेट पर बात करती हो और ये बात तुमने आज तक मुझसे छुपाई? मेरा फोन तो दीजिए। जो बात छुपानी होती है उसे बताने का मौका कभी नहीं मिलता। पूरी जिंदगी अगर यही सोचती रहोगी कि ये रिश्ता सही जा रहा है या नहीं, तो फिर निभाओगी कैसे? और दोस्त, प्रॉब्लम ना बताने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती। इतनी हिम्मत कि तू आध्या को सच बताने यहां तक आ गई? मेरी सगाई तोड़ेगी तू? किस्सा खत्म करूं? मुझे माफ कर दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे छोड़ दो। अगर तू मुझे यहां कहीं आसपास भी दिखाई दी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ओके, आउट। अच्छा भाई दोस्तों, देखो जो सगाई है वो तो मुहूर्त के टाइम पे ही होगी, और मुहूर्त के लिए अभी थोड़ा वक्त है, तो थोड़ा भांगड़ा शांगड़ा हो जाए दादू। अरे दिल्ली वालों की शादी में अगर ढोल नहीं बजा तो क्या मजा। क्या गाने का माहौल है, इतने रोमांटिक माहौल में रूपा जी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। ओ चल बेटा, तेरे साथ ही डांस कर लेते हैं। कम से कम तू रूपा जी की तरह गुर्राता तो नहीं है।
क्या कर रहे हो ये तुम? सॉरी सर। अंधा है क्या, दिखता नहीं तुझे? गीला कर दिया ना पूरा। देख क्या रहे हो, जाओ जाओ यहां से। ऐसा भी क्या जरूरी काम है जो तुझे अभी जाना है? धातु ऑफिस का काम है, बहुत अर्जेंटली बुला रहे हैं। लेकिन धातु ये देखो ना, उन्होंने फ्लाइट टिकट्स भी भेज दी है, अभी निकलना पड़ेगा मुझे। प्लीज धातु आप सबको संभाल लेना। अब क्या बोलूं, जा। थैंक यू धातु, ध्यान रखना। जी। ऐसा क्या काम आ गया जय को जो तुरंत भाग रहा है? ना बेटा। आंटी वो सम्राट बहुत बुरा इंसान, पता नहीं कहां से उसने मेरी गंदी फोटो क्लिक कर ली। उसके बाद वो मुझे रिलेशनशिप में आने के लिए फोर्स करने लगा, और जब मैंने मना कर दिया तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। आंटी जब मैं डरती थी तो वो मुझसे कहने लगा कि वो मुझसे प्यार करता है इसलिए ये सब करता है। मैंने भी उसकी बातों पर विश्वास कर और थिंक मुझसे शादी करने का वादा किया था उसने, और कहा था कि शादी तो कर ही रहे हैं तो फिजिकल रिलेशनशिप रखने में क्या प्रॉब्लम है। मैं बेवकूफ उसकी बातों पे आ गई, और उसके बाद अचानक एक दिन उसने मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया। आंटी वो इंसान नहीं, वो हैवान है। पर अगर आध्या की शादी में उससे हो गई तो वो उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। अब कुछ कीजिए ना। सम्राट के बैड हैबिट्स के बारे में पता तो था, पर वो इतना बिगड़ जाएगा मैंने ड्रीम में भी नहीं सोचा था। मित्तल फैमिली ने तो हमेशा लेडीज की रिस्पेक्ट की है, उसने तो हमारे फैमिली का नाम ही बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दी। आंटी अब वो मेरी और आध्या की, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा। अब कुछ कीजिए ना, आप ये सगाई रुकवा देगी ना? यू वरी नॉट बेटा, सम्राट को मैं पनिश करूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। एंड फिकर नॉट बेटा, मैं तुम्हारा नाम कहीं नहीं आने दूंगी। मैं सम्राट को कभी पता ही नहीं चलने दूंगी कि उसका सच तुमने मुझे बताया। थैंक यू। नो यू गो बेटा, अगर सम्राट देखेगा ना तो रोंग रोंग हो जाएगा। मैं संभाल लूंगी। कोबिता को परफेक्ट जोड़ी, तुम दोनों को डांस करते देखकर मुझे एहसास हुआ कि तुम दोनों तो बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर हो। पता नहीं मैं इतनी ब्लाइंड कैसे हो गई थी कि मुझे दिखाई नहीं दिया कि तुम दोनों कितने परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। अगर मुझे पहले ही दिख गया होता तो मैं मेरे सम्राट के लिए आद्या का हैंड खुद ही मांग लेती। और बताया आपको, आपकी डॉटर हमारे मित्तल फैमिली की डॉटर इन लॉ बन चुकी होती अभी तक। कोई नहीं,
लेट आए, करेक्ट आए, है ना? मम्मी जी, पर शुभ काम में लेट नहीं होना चाहिए। सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, लेट्स डू इट। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कम चिल्ड्रन, आओ आओ ना। मुझे लगता है रूपा के दिमाग में कोई तो खिचड़ी पक रही है। पुरुषोत्तम, जा जाके मीटर बॉक्स चेक कर, जा। बड़े पापा, मैं देख कर आता। हाँ हाँ, मुझे मुझे दे। अरे देख लेते ना। अरे लाइट कहाँ? सब बटन एक साथ कैसे ऑफ हो सकते हैं? कहां गायब हो गया? ये फ्यूज किसने निकाला होगा? बाथरूम गई होगी, देर पापा आदू दी वॉशरूम में नहीं है। इनके बेटी के पैरों में ना व्हील्स लगे हैं, जब देखो तब उठकर भाग जाती। आपके घर में कोई ऐसा कोना है जहाँ पे मतलब फोन वोन ना लगते हो? नहीं नहीं, हमारे घर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नेटवर्क ना मिले। नहीं, नहीं, रीचेबल नहीं है फोन, इसलिए पूछ रहा था। नॉन रीचेबल आ रहा है उसका। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? देखो लगी है तो बता दो, अब मैं कोई दवाई का इंतजाम कर देता हूं। अरे बोलो। ओ हाँ,
सॉरी 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 सॉरी, मैं खोल रहा हूँ। तुम चलाओगे तो नहीं? ओके मैं खोल रहा हूँ, वेट वेट वेट। तुमने मुझे किडनैप किया? हाँ हाँ। सवाल मत करो क्योंकि एकदम सब कुछ एंड मोमेंट हुआ और मैंने ज्यादा सोचा नहीं। सोचने के लिए दिमाग का है तुम्हारे पास? अभी पहले मुझे खोलो यहाँ से, मुझे जाने, हिलो मत, गिर जाओगे तुम। ये क्या कर रही हो तुम, गिर जाओ। ओ यार पागल हो गई हो क्या? भी खोलो मुझे वरना और मारूंगी। बेवकूफ, मुझे अपने घर से उठा ले। क्यों? क्योंकि तुम खुश नहीं थे सगाई से।